छठा प्रश्न, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स पावर 5, दो फलन है, फर्स्ट सेकंड करके कर देंगे, थोड़ा डायरेक्ट भी होगा, तो माना वाई बराबर अब डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन यानी कॉस एक्स क्यूब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 प्लस सेकेंड साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स पावर 3 डी वाई ओवर डी एक्स बराबर कॉस एक्स क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले फंक्शन का जो स्क्वायर हो रहा है उसके हिसाब करेंगे, एक्स पावर एन का ही फार्मूला लगाएंगे और एक्स पावर 5 को पहले एक्स पावर 5 ही रखेंगे, तो 2 एक्स पावर 2 का मतलब 2 एक्स होता है, 2 ये आ गया और एक्स वापस यही साइन आए और एक्स पावर 5। इसके बाद फिर इसका साइन की वजह से कॉस एक्स पावर 5 फिर अब इसका होगा 5 एक्स पावर 4, इस तरीके से होगा। चाहे तो हम अलग से श्रृंखला नियम से कर सकते हैं, ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और ये करेंगे तो पहले किसका आएगा, पहले इसका आएगा क्योंकि ये इसका आर्गुमेंट है, ये अपने आर्गुमेंट को होल्ड किए, पहले इसका डिफरेंशिएशन फिर इसका, तो माइनस साइन आर्गुमेंट को ऐसा ही रख देते हैं। अब इसका कर देते हैं 3x स्क्वायर, इसी को सिंपल करना है बस, 5x पावर 4 और कॉस एक्स क्यू, ये दो का और गुणा कर सकते हैं 10 हो जाएंगे ऐसे, कॉस दोनों 10, एक्स पावर 4 कॉस एक्स क्यू साइन एक्स पावर 5 और कॉस एक्स पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स पावर 5 और साइन एक्स पावर 3, यही हमारा आंसर है।